24 में आज टनल के आर पार बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। बादल फटने से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दफा 370 और 35 से किसी गैर मुल्क ने हमें नहीं दिए थे, महबूबा मुफ्ती। और श्रीनगर में 15 रोजा क्राफ्ट मेले की सरगर्मियां बाजाबता तौर पर शुरू। आप देख रहे हैं एशमे 24, मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले मौसम की बदलती करवट पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के बाज इलाकों में मूसलाधार बारिशों और बादल फटने के नतीजे में नदी नालों में तुगियानी आ गई है, जिसके नतीजे में कई रिहायशी ढांचों, रास्ता, सड़कों और खेत खलियानों को नुकसान पहुंचा। वस्ती जिला गांधरबल के वतलार में पीर की अलसुबह बादल फटने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में इलाके से गुजरने वाले एक नाले में शदीद तुगियानी आ गई। नाले का पानी बेकाबू होने की वजह से कुछ रिहायशी मकानात, रास्ता, सड़कों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। इधर सुबह जम्मू में भी तूफानी बारिशों के नतीजे में गांधीनगर समेत कई इलाके जेर आब आ गए हैं। इतलात के मुताबिक चिनाब में भी इतवार और पीर की दरमियानी रात को मूसलाधार बारिशें हुई। मूसलाधार बारिशों के नतीजे में कुछ रास्ता सड़कों, बिलखसूस डोडा काशीगंज सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि आइंदा 3 रोज तक यह सिलसिला जारी रहेगा। इधर पांदेश के बाशिंदगान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पादशाही आबाशी नहर में पानी की सतह गुंजाइश से ज़्यादा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मस्कुरा नहर का पानी रिहायशी मकानात के अंदर दाखिल होने से उन्हें शदीद तरीन ज़हनी खौफ का सामना है, जबकि इस हवाले से महकमा इरीगेशन बकौले उनके गफलाशारी का मुर्तकिब हो रहा है। जनाब डिपार्टमेंट गई वफद आब आंगन तमो जनाब कोर गोर कहें जनाब से रटा तुम दिव स आंगन कुन नजर अच्छे तुम सान मकान क्रीडस मं गुम तुम वनस व पानस जरूरी अस करो वो तुम मौकस आओ तुम वो अस क्या दल यपर ग आब कूत मकान मं कूत चाव अंकन घर मज बिहित तिम ग्रेन ग आई ओत वफद योर अ डिपार्टमेंट इरीगेशन किस तिम जनाब गो नहसास तिम गई न्रेन तड़ वफद हेत गए तौर सिर्फ गई तिम ग्रेन हेत सान बाबस के तो मेहरबानी कर हमेशा लगे तावनस। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मरकजी सरकार की तरफ से दफा 370 को खत्म करने का मकसद जम्मू कश्मीर को लूटना था। जम्मू दौरे के इख्तिताम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A किसी दूसरे मुल्क ने जम्मू कश्मीर को नहीं दिए थे, बल्कि इन कवानीन को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की शिनाख्त के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए लाया था। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत आए रोज जम्मू कश्मीर के लिए नए फरमान जारी करती है और दरबार मुंह की रिवायत का खात्मा ताज़ा फरमान है। और काफ़ी डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उसमें पार्टी के डेलीगेशन भी थे, इसके अलावा दूसरे डेलीगेशन भी थे और उनसे बात हुई और पता चला कि जो हमें बताया गया था 370 की इलीगल एब्रोगेशन के बाद कि जम्मू कश्मीर ने बिलखसूस जम्मू में दूध की नदियां बहेंगी, शहर होगा, हर तरफ सब बिल्कुल वो स्वर्ग जैसा बन जाएगा, मगर उसके मुकाबले तो जब हम देखते हैं जम्मू की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई, और ज्यादा प्रॉब्लम्स, चाहे वो जो हमारे शिनाख्त की बात हो, चाहे हमारे रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स की बात हो, इकोनॉमी हमारी, हमारा सोशल फैब्रिक सारा जो है उस पर एक हमला हो रहा है और रोज नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नए नए फरमान आते हैं। जैसा आपको मालूम है लेटेस्ट फरमान है दरबार मुंह के हवाले से, देखिए जो 370 या 35 से जो डोमेसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देख के जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगराज की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदू को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। और जब फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे,
हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो तब भी उन्होंने कहा था कि चूंकि हमारे कुछ कानून ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी शनाख्त बरकरार है, वो कानून आपको रखने पड़ेंगे। मगर आप इसके एब्रोगेशन के बाद जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टारगेट जो है, कह रहे थे कि सब कुछ ये पूरा मुल्क के साथ मिल जाएगा, जैसे कि पहले मिला नहीं था, जैसे पहले हमारी बाउंड्री कहीं और थी तो जाके मिली है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे 370 खत्म करना सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना, मामूली सी चीज है। बाजरी से शुरू कर लीजिए आप, बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, उसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं अब। कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका आरक्षण दे दिया उसका। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर मोहम्मद हामिद अंसारी का कहना है कि मरकजी सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसलों ने कश्मीर के मसले को मजीद पेचीदा बना दिया है। खबर रसा इदारे UNI के मुताबिक एक न्यूज़ पोर्टल के साथ इंटरव्यू के दौरान उनका कहना था कि दफ़ा 370 अब एक जज्बाती मामला बन गया था, जबकि अमली तौर पर यह मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी अभी भी मुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के लोग उन्हें कश्मीर का हिस्सा मानते हैं। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस स्कीम के तहत जिला अस्पताल गांदरबल में डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल और मिशन डायरेक्टर ने किया। अस्पताल में मजकूरा सेंटर कायम करने और इस सहूलियत से गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत जो हमारा डायलिसिस यूनिट सैंक्शन हुआ था उसको उसका आगाज किया। दिस यूनिट हैज बीन बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 46.5 लाख एंड इसमें पूरा जो डायलिसिस का सारा इक्विपमेंट, मशीन्स, RO प्लांट एज वेल एज स्टाफ सच एज ट्रेन्ड टेक्नीशियंस एंड कंसल्टेंट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। एंड इसमें अभी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हमें अराउंड 60-70 पेशेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए रजिस्टर किया हुआ है। फॉर BPL पेशेंट्स दिस फैसिलिटी इज कम्प्लीटली फ्री। जो भी कंज्यूमेबल्स की कॉस्ट आती है 1000 rupees पर सेशन की, वो NHM विल बी प्रोवाइडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड दैट विल बी यूज फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स। सो आई विश ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में और भी ज़्यादा केसेस होंगे डेफिनेटली रिक्वायरिंग डायलिसिस, जो अभी फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक्स में जा रहे होंगे या श्रीनगर जाके करवा रहे होंगे। तो जैसे ही एक स्टार्ट होगा आई एम श्योर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और लोगों को बहुत सहूलियत मिलेगी। जुनूबी जिला अनंतनाग में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपने मुतालबात को लेकर आज सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी 8 माह की रुकी पड़ी तनख्वाहें ईद से कबल वागुजार की जाएं और दीगर मसाइल का भी इजाला किया जाए। वजह यही है, गवर्नमेंट हमारी स्कीम को प्राइवेटाइज करने जा रही है। इसका एक आज हाल ही में उन्होंने पोषण ट्रैकर एक ऐप है, वो स्कीम के अंडर आती है पोषण अभियान, वो उन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी को भेज दी है पोषण ट्रैकर। लेकिन आप बताइए, अगर एक आंगनवाड़ी वर्कर को मुंसलिक किया है एक बच्चों की नशोनुमा के लिए, उसका काम है पोषण अभियान के तहत, देख रही है अपने एरिया में कोई माल नर्सिंग तो नहीं है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर कंपनी भेजने का क्या मकसद है? पहलगाम से मिलने वाली एक इत्तला के मुताबिक यहाँ एक सड़क हादसा रोनुमा हुआ है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। इत्तलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी दुकान के साथ जा टकराई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में दाखिल किया गया। अभी एक एक्सीडेंट जो मेन मार्केट यहाँ पे, जहाँ पे शेख ब्रदर्स है JK बैंक के सामने, गाड़ी उनके दुकान के साथ टकराई है। तो एक शायद I-10 गाड़ी ऊपर से आ रही थी, ब्रेक फेल होने की वजह से या किसी और कारण से उसका एक्सीडेंट हो गया है, दुकान के साथ वो जा टकराई है। उसमें 4 बंदे सवार थे, 2 छोटे बच्चे, एक फैमिली थी, उनकी बीवी थी और एक AEE है, कोई PDA में यहाँ पे दुर्गुण का रहने वाला है वो। उनको इंजरी हो गई है, चेस्ट में लगी थी उनको, यहाँ पे उनको हमने फर्स्ट एड दे दिया, जो भी इंपॉर्टेंट मेजर्स थे जो हमने ले लिए यहाँ पे। लेकिन ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, ही वॉज जस्ट गोइंग इन शॉक, तो उसके लिए हमने उसको हायर सेंटर GMC रेफ़र कर दिया। और जो 2 बच्चे थे उनके साथ और वो उनकी मिसेज जो थी वो स्टेबल हैं, और उसकी एक बच्ची को दांत में लगी थी तो उसको भी हमने फर्स्ट एड यहाँ पे दिए, या दे आर ऑल ओके। तो और एक टूरिस्ट इसके साथ वहाँ पे जख्मी हो गया है, उनको भी लगी थी राइट दिस रिस्ट में, कॉलेज फ्रैक्चर मोस्ट प्रॉब्ली है उनको, तो उनको भी हमने प्लास्टर के लिए वहाँ नीचे रेफर कर दिया। कश्मीर हॉट श्रीनगर में 15 रोज़ा क्राफ्ट मेले की सरगर्मियाँ बाजाब्ता तौर पर शुरू हो गई हैं।
इस मेले का मकसद दस्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइख्तियार बनाना है। मुख्तलिफ दस्तकारों ने क्राफ्ट मेले में अपनी मसनूआत को नुमाइश के लिए रखा है, जबकि उन्होंने हुकूमती इकदाम की सराहना की। जो एग्ज़िबिशन है तो हैंडीक्राफ्ट वालों ने हमको फ़ोन करके बोला कि यहाँ पे स्टॉल चल रहा है और ये हमारी पहली एग्ज़िबिशन है, तो इससे लोगों को ये फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि हमारा ये आर्ट है तो इस आर्ट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो इसकी वजह से हम आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि हम ये चीज़ें बनाती हैं तो इसका हमको वो वाला लाभ नहीं मिलता है, जो से हमारे पास ये चीज़ें बनी हुई रहती है तो हमारे पास क्वांटिटी में रहती है। अगर हम यहाँ पे कुछ इसमें सेल कर दें तो उसमें ही हम लोग का मुनाफा हो सकता है, और जो हमारा आर्ट है इसको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि बाहर जैसे कि बाकी स्टेटों में, बाकी देशों में हम ये चीज़ें बेच सकें और कश्मीर का नाम आगे भी जा सके ये चीज़ों के लेके, क्योंकि हमारा कश्मीर इन चीज़ों से ही मशहूर हो रहा है। इस ये एग्जीबिशन जीते आज कश्मीर आर्ट समझ लोग गवर्नमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम यह एकिस आर्टिजनस खतर अख बेनिफिट तो बेस हौसला अफजाई इस पनुन प्रोडक्ट बनावान इस मतलब इंसेंस्टर्स या पुरानो बुजुर्गो मतलब कह प्रोडक्ट खास हैंड मेड हैंड स्पून कह प्रोडक्ट बनाने यह बनस्बत इस बाकी मतलब फॉरेन स्टेटन मैं अमृतसर माल कह चीज अलब युत योत यह थोड़ा कास्टली पहनस सर यह बेनिफिट कमस ग नंबर अख गोड़ हौसला अफजाई बेस पन्नस प्रोडक्टस पान मार्केटिंग हे कर अत रोज नोम दरमदार मं कह तो यम सात यह प्रोडक्ट मतलब आम ग तो यह अम सो यह पान हे सेल कर अम सूत सर अूत अमन हे रोजगार बनित ज्यादा ज्यादा यम सात पान मार्केटिंग डायरेक्टली तो नई नई अूत वनस बेरोजगार तुम हेकन अत कु ज्यादा मदु ग तो तुम हेकन अमी ट्रेनिंग तथा हैंडलूम डिपार्टमेंट दिवान यह ट्रेनिंग सेंटर मज ट्रेनिंग तुम हेकन पान प्रोडक्ट बन पान कनिथ। कश्मीर 24 में आज इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल पहुंच रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें इसी तरह देते रहें ताकि हम मज़ीद बेहतरी कर सकें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।